दोस्तों आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल का आप किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस समझेंगे कि किस तरह से आप अपना आवेदन से प्रिंट तक आप किस तरह से आवेदन को कर सकते हैं। तो आवेदन को करने के लिए पहले आपको झारखंड पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट कराने के लिए आपको हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जहां से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहां से आप देख सकते हैं, पहले इंपॉर्टेंट डेट में यहां पर देख सकते हैं पीरियड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका स्टार्ट डेट हुआ था 22/1/24 तक आपका स्टार्ट हुआ था और 21/2/24 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। 11:59 PM तक आपका लास्ट डेट रहेगा 21/2/24 के दिन 11:59 PM तक आपका लास्ट डेट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी, आपका जो पेमेंट करने का लास्ट डेट है 23/2/24 तक है 11:59 PM तक मिडनाइट, यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ लोडिंग फोटो सिग्नेचर 25/2/24 तक आपका 11:59 PM तक मिडनाइट में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से आता है अब आपको किस तरह से ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ से अब अपना पर्सनल डिटेल को यहाँ से अब फिल करना है। तो पर्सनल डिटेल में आपको फर्स्ट में अपना एप्लीकेंट फर्स्ट नेम को यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ से अपना लास्ट नेम को डालना है। लास्ट नेम को डालने के बाद यहाँ से अपना एप्लीकेंट फुल नेम, अपना पूरा फुल नेम को लिखना है। यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है। यहाँ से अपना ध्यान से डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से अपना चूज कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के बाद यहाँ से अपना फादर्स नेम को डाल देना है। आपका जो भी फादर्स नेम होगा यहाँ से अपना फादर्स नेम को डालना है। उसके बाद यहाँ से अपना मदर्स नेम को फिल करना है। मदर्स नेम को फिल करने के बाद यहाँ से आपका जो भी जेंडर होगा यहाँ से अपना जेंडर को चूज कर लेना है। जेंडर को चूज करने के बाद यहाँ से अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म मोबाइल नंबर को फिल करना है। कन्फर्म मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद यहाँ से अपना आधार नंबर को फिल करना है। आधार नंबर को फिल करने के बाद यहाँ से अपना जो आपका ईमेल आईडी होगा यहाँ से अपना ईमेल आईडी को फिल करना है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म ईमेल आईडी दोबारा से फिल करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको अपना नेशनली यहाँ से इंडियन को चूज कर लेना है। उसके बाद ये विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वन, तो यहाँ से अपना कटा छटा कहूँ पर भी आपका होगा तो यहाँ से अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ से लिख देना है। उसके बाद यहाँ से दो मार्क अपना डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पर एक मार्क जरूरी है, यहाँ पर देख सकते हैं एक मार्क आपका जरूरी है तो यहाँ से अपना डाल देंगे। यहाँ पर दोनों मार्क्स डालना चाहते हैं तो डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ से आता है ऑप्शन फॉर लैंग्वेज पेपर। तो आपका जो पेपर आपका लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो यहाँ से अपना पेपर लैंग्वेज को यहाँ से अपना चूज कर लेंगे। जो भी आप अपना पेपर लैंग्वेज में परीक्षा देना चाहते हैं तो यहाँ से अपना चूज कर लेंगे। यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ से मेरिटल स्टेटस को यहाँ से अपना चूज कर मैरिट चूज करेंगे। अगर आपका शादी नहीं हुआ तो अनमैरिट चूज करेंगे। यहाँ से चूज करने के बाद यहाँ से आता है अदर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से अपना फिर इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो वैक्सीन टाइप को यहाँ से अपना चूज कर लेना है। यहाँ से वैक्सीन टाइप को यहाँ से चूज कर लेना है। रेगुलर रखना चाहते हैं तो रेगुलर कर लेंगे, या फिर बैकलॉग रखना चाहते हैं तो बैकलॉग के या बोथ यहाँ पर रेगुलर हम चूज करते हैं। उसके बाद आर यू लोकल रेजिडेंट ऑफ झारखंड, तो यहाँ से अपना अगर आप झारखंड से हैं तो यस करेंगे तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपका झारखंड का पूरा डिटेल यहाँ से मांगेगा। आपका सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट मांगेगा, उसके बाद यहाँ से कैटेगरी चूज करना होगा। अगर आर यू सर्विसमैन या ये सब आपको डिटेल को यहाँ से फिल करना है। हम यहाँ से झारखंड से नहीं है तो यहाँ से नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ से कैटेगरी के यहाँ से चूज करना है। तो कैटेगरी आपको यूआर में ही चूज होगा। अगर आप अदर स्टेट से अपना फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका जो कैटेगरी होगा यूआर में ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल करना है। तो यहाँ से अपना 10th मैट्रिकुलेशन, आपका जो 10th वाला 10th का मार्कशीट में देखकर अपना बोर्ड नेम ये सब अपना 10th का पूरा डिटेल को यहाँ से फिल करना है। यहाँ से अपना फर्स्ट में पहले आपको बोर्ड नेम को लिख देना है, जो भी आपका बोर्ड होगा यहाँ से अपना बोर्ड नेम को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से मंथ ईयर पासिंग को चूज करना है, जो भी आप जिस ईयर में आप पास किए होंगे यहाँ से अपना डाल देना है। उसके बाद यहाँ से रिजल्ट स्टेटस यहाँ से पास को कर देना है। यहाँ से चूज करने के बाद रिजल्ट स्टेटस को, उसके बाद यहाँ से अपना रोल नंबर को फिल करना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा यहाँ से डाल देना है। उसके बाद परसेंट ऑफ मार्क्स अपटेंट, तो यहाँ से अपना परसेंट में अपना मार्क्स को लिख देना है, जितना आपका नंबर होगा यहाँ से परसेंट पर लिख देना है।
उसके बाद यहाँ से अब अपना एड्रेस को फिल करना है। तो एड्रेस को फिल करने के लिए यहाँ से एड्रेस लाइन वन में डाल देना है इस तरह से, एड्रेस लाइन वन में, एड्रेस लाइन टू, इसके बाद यहाँ से सिटी विलेज टाउन, तो आपका जो भी विलेज होगा या सिटी होगा तो यहाँ से डाल देना है। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट को चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से अपना चूज कर लेना है। स्टेट को चूज करने के बाद यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट नेम कोड यहाँ से डाल देना है। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट नेम को डालने के बाद इसके बाद यहाँ से अपना पिन कोड को डालना है। पिन कोड को डालने के बाद यहाँ से आपका आप यहाँ से टिक लगा देना है, यहाँ से परमानेंट एड्रेस कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस होगा तो यहाँ से टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, प्रीव्यू एंड सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू एंड सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, ये सब डिटेल को आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू एंड सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। प्रीव्यू फिर स्टेज कॉन्फ़िगरेशन पर्सनल डिटेल इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप अपना फिल करेंगे इस तरह से आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाना है नीचे स्क्रॉल करके, नीचे स्क्रॉल करेंगे इस तरह से आएगा डिक्लेरेशन, तो यहाँ से आपको टिक लगा देना है। आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव रियल, और यहाँ से आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ से आपको ध्यान से देखकर यहाँ से अपना कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल करने के बाद अगर आप फिर से एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट रिकॉर्ड फॉर्मुलरी स्टेट पर आप क्लिक करके अपना एडिट भी कर सकते हैं। आपका अगर आपका यहाँ से देख रहे हैं तो आपका डिटेल गलती लग रहा है, तो यहाँ से आपका एडिट रिकॉर्ड फॉर्मुलरी स्टेज पर आप क्लिक करके अपना एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ से सबमिट एंड नेक्स्ट, तो यहाँ से आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर विकल्प पर आपको जैसे ही क्लिक कर गए तो आपको कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा, यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट जो है 24 आवर्स के बाद ही आपका पेमेंट होगा, 24 आवर्स के बाद ही आपका पेमेंट गेटवे विल एक्टिव होगा, पेमेंट गेटवे आपका एक्टिव होगा। उसके बाद आपको क्या करना है पेमेंट करने के लिए, तो पेमेंट करने के लिए आपको फिर से आपका इसका झारखंड पुलिस कॉन्स्टेबल का ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। ऑफिशियल साइट पर आने के बाद यहां से आपको कैंडिडेट लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, लॉगिन पेज खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ उसमें आपका यहाँ से फिल करना है। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा इस तरह से आपको फिल कर देना है। डेट फिल करने के बाद यहाँ से कैप्चा को डाल देना है, कैप्चा को डालने के बाद यहाँ से ध्यान से कैप्चा को डाल देना है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी लिस्ट, यहाँ से अपना चूज कर लेना है अपना पोस्ट प्रेफरेंस को, यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ से अपना चूज कर लेना है कुछ इस तरह से अपना चूज कर लेना है। क्लिक करके यहाँ से अपना जितना जहाँ जहाँ अपना पोस्ट रखना चाहते हैं इस तरह से अपना चूज कर लेना है। चूज करने के बाद इस तरह से पूरा चूज हो जाने के बाद यहाँ से वैलिड सबमिट एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पूरा चूज हो जाने के बाद वैलिड सबमिट एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यह सब डिटेल को आप फिल करने के बाद अपना पोस्ट प्रेफरेंस को चूज करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, पेमेंट पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ से पेमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, योर एप्लीकेशन फी 100 रुपये यहाँ पर देख सकते हैं। इफ़ यू ऑलरेडी मेट, यहाँ पर इस तरह से बता रहा है, तो यहाँ से अब आपको पे नाउ वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पेमेंट पेज खुल कर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अपना बैंक को चूज कर लेंगे, जो भी आपका बैंक होगा, इस तरह से हम अपना बैंक नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, तो यहाँ से अपना बैंक से कर देंगे। पेमेंट खो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अपना अब यहाँ से आपका आता है फोटो सिग्नेचर, तो आपका जो भी फोटो सिग्नेचर होगा यहाँ पर आप अपना अपलोड कर देना। जो आपका फोटो सिग्नेचर का साइज होगा, फोटो का साइज होगा 20 KB से 50 KB तक आपका साइज होगा। फोटो का और सिग्नेचर का साइज जो रखा गया है 5 KB से 20 KB तक आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन इस तरह से आपका आ जाता है। डियर, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है, योर हैव यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर
एप्लीकेशन फॉरम झारखंड कॉन्स्टेबल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना प्रिंट को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको प्रिंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको प्रिंट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अपना प्रिंट आप देख सकते हैं। और चाहते हैं कि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहे तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छोटी बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारा WhatsApp चैनल और Telegram चैनल से ज्वाइन होना ना भूलें। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं।